प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर सरगुजा जिले को 203 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जिसका लोकार्पण एवं शिलान्यास आज किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में आज 26 जिलों में 600 करोड़ से अधिक की राशि का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया, जिसमें सरगुजा जिले को 203 करोड़ रुपए की सौगात मिली, जिसमें मुख्यतः नया सर्किट हाउस, नए स्कूल भवन सहित ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं को पूर्ति करने जैसी योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही कई हितग्राहियों को शासन से चलने वाली योजनाओं के तहत चेक व कई विभागों द्वारा उपकरण ग्रामीणों को वितरित किया गया। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, नगर निगम महापौर डॉ. अजय तिर्की, सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार, सरगुजा SP सुनील शर्मा सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। करीब छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में 6,080 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। अगर सरगुजा जिले की बात करें तो करीब 262 कार्यों का 203 करोड़ का लोकार्पण भूमि पूजन का कारण हुआ है। इसमें मुख्यतः जो है आपका जो नया सर्किट हाउस, नया कमिश्नर ऑफिस, तहसील दरिमा, ये सब प्रमुख कार्य हैं जिनका लोकार्पण आज हुआ है। सभी जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं वो भी आज उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अजय अग्रवाल जी, माननीय आदि बाबा अजय बंसल जी, दुतेंद्र मिश्रा जी, लक्ष्मी गुप्ता जी, सभी आदरणीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस कार्यक्रम में जो अपनी महती भूमिका और जिम्मेवारी के साथ जो काम किया, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। भूमि पूजन करीब उसमें 262 कार्यों में 120 कार्यों का लोकार्पण था और जो बचे हुए कार्य उनका भूमि पूजन था। और चूंकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी आने वाले समय में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो एक तरह से सामूहिक रूप से सभी कार्यों को किया गया है और जो भी लोकार्पण या भूमि पूजन हुआ है उन सभी पत्रों को जो है निर्देश मिले हैं कि तत्काल उनको जहाँ जहाँ पे भी हुआ है वहाँ पे किया जाए। इससे जनता को जो लाभ, जितने भी स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो स्कूल का उद्घाटन हुआ है, इन सभी में जो जनता को लाभ तत्काल पहुँच जाए, इसलिए शासन की मंशा थी कि सामूहिक रूप से इसको वर्चुअल माध्यम से किया जाए।